गाइस नमस्ते सत श्री अकाल जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा आदा राजपूत। और आज मैं वापस से आपके लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ बिग बॉस। यार पता नहीं कौन कह रहा है कि बिग बॉस का ये सीजन बोरिंग है, बेकार है, मतलब इससे ज्यादा क्या देगा बिग बॉस तुमको, क्या सब कुछ लाके दे दिया बिग बॉस ने तुम्हें, एडवोकेट लाके दे दी है, जर्नलिज्म वाले लोग लाके दे दिए हैं, टीवी एक्टर्स लाके दे दिए हैं, ठीक है अपना यूट्यूबर्स लाके दे दिए हैं, रोस्टर्स, हाँ रोस्टर्स की कमी जरूर थी इस बार, पर भाई बिग बॉस में रोस्टर्स की जरूरत क्या है क्योंकि बिग बॉस इस बार तो खुद ही रोस्ट कर रहे हैं सबको। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। सो गाइस कंटेंट की बिल्कुल कमी नहीं है इस बार, कंटेंट तो भर भर के, मतलब हर तरह का कंटेंट आपके पास, इमोशनल क्यूट सा कंटेंट ऐश्वर्या और नील, आई नो कि वो लोग गेम में ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं पर यार लाइक दिस इज द रियलिटी शो, इसमें आपको अपनी रियल पर्सनालिटी दिखानी है, उनकी पर्सनालिटी ऐसी ही है, ऐश्वर्या थोड़ी सी है मुफट वो बोल देती है मुंह पे और नील थोड़ा सा काम है, लोगों से क्रिंज बोल रहे हैं या लोग बोल रहे कुछ भी नहीं कर रहा, बट ठीक है ना, दिस इज अ रियलिटी शो, यहां पे हमें अपनी रियल पर्सनालिटी दिखानी है। अब जरूरी नहीं कि हर किसी की पर्सनालिटी अग्रेसिव हो या हर किसी की पर्सनालिटी फ्लर्ट करने वाली हो, मस्ती चिल करने वाली हो, वो लाइक काम है, चिल है। और मुझे तो यार बहुत क्यूट लगता है, लाइक हाउ क्यूटली ही हैंडल हिज वाइफ, कुछ लोगों को लड़कियों ये ना जब तक हमें ना मिले ना तभी तक हमें क्रिंच लगता है, अदरवाइज अंदर ही अंदर ना हम सब ये चाहते हैं कि हमारा बंदा ना हमारे साथ ऐसे बिहेव करे। आजकल ना ये टॉक्सिसिटी को ना कुछ ज्यादा हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि भाई तू मेरी ना हुई तो मैं तेरा गला काट दूंगा, ये ना सुनने में अच्छा लगता है, तू मेरी ना हुई तो मैं खुद भी मर जाऊंगा तुझे भी मार दूंगा, जब ये रियल में फेस करना पड़ेगा ना तो किसी को अच्छा नहीं लगने वाला। तो जो भी क्रिंच बोल रहे हैं ना या बोल रहे हैं कि जोरू का गुलाम है, बीवी स्टिप का रहता है, हर एक बीवी को यही चाहिए और हर एक मर्द को ना ऐसे बिहेव करना भी चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ वो बदले में वो भी उतना ही रिस्पेक्ट है, उतनी ही वो डिजर्व करते हैं, बट आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी बुरा है टू बी रियल व्हाट यू आर। एंड एक 4 महीने के शो के लिए अपने रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ा देना, मैं कहीं विकी भैया की बात तो नहीं कर रही, हाँ मतलब यार तुम 4 महीने के लिए शो में आए हो, ठीक है तुम गेम के मास्टरमाइंड बनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है कि तुम गेम के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो और तुम जो काम करने के लिए आए हो उसको तुम बहुत अच्छे से करना चाहते हो, बट ये सिर्फ 4 महीने 5 महीने का शो है, इसके बाद पूरी लाइफ आप लोगों को रहना है, वो कैसे जाएगा दिमाग से आपकी वाइफ के दिमाग से, आप कैसे बिहेव करते हो, आप कैसे बात करते हो। मुझे पर्सनली गेम वाइज आई लाइक विकी, मुझे उनका गेम बहुत ज्यादा पसंद है, वो जिस तरीके से हर चीज को हैंडल करते हैं, वो जिस तरीके से हर बंदे के साथ रिलेशनशिप बना के रखते हैं, मतलब ऐसा बहुत कम कंटेस्टेंट्स कर पाते हैं कि जो सबके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, सबको पता है कि बंदा गेम खेल रहा है, सबको पता है कि ये बंदा मैनिपुलेट कर रहा है, बट स्टिल वो उसके साथ है, स्टिल वो उसको उसी तरह से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो गेम वाइज ही इज 10 out of 10। अभी थोड़ा सा गेम उनका वीक हो रहा है बिकॉज बिग बॉस भी ना कहीं इरिटेट हो गए हैं, क्योंकि आप पहले से ही सब कुछ घोट के आओगे ना, बिग बॉस ने बहुत बार बोल दिया कि आप लोग पहले से ही जो ये गेम प्लान सोचे हैं, और अभी रिसेंटली एक टास्क भी रद्द हुआ और वो मेजरली विकी भैया की वजह से हुआ था, ठीक है मनस्वी भी कपड़े चेंज करने गई थी बट मेजरली जो चीज हुई थी वो विकी ने स्टार्टिंग में वो बोलना शुरू कर दिया था कि भाई ऐसे ऐसा करना है ऐसे वैसे करना बिना टास्क को सुने, तो बिग बॉस वॉज लाइक कि तुम ही कर लो भाई, तुम्हें पहले से आता तुम्हें सुनना नहीं है टास्क, तुम्हें पता नहीं है कि क्या करना है, स्टिल अगर आपको प्लानिंग अभी से करनी है तो तुम ही कर लो। तो हाँ विकी जो है गेम वाइज आई लाइक हिम, बट पर्सनली हाउ ही टॉक्स आई रियली डोंट लाइक दैट, बिकॉज यार ठीक है आप इंडिविजुअली आए हो बट आप एज अ कपल भी आए हो, इंडिविजुअल आप हो बट बिग बॉस ने आपको एज अ कपल बुलाया है एंड आप इंडिविजुअल होने के बाद भी इंडिविजुअल हो ही नहीं सकते ना, बिकॉज ये जो एक ऐसा रिलेशनशिप है हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप ही ऐसा रिलेशनशिप है कि आप इंडिविजुअल कैसे हो जाओगे। बोल रहा है अभी विकी को कोई कुछ बोलता है तो अंकिता फिर भी थोड़ा सा स्टैंड लेती है, इंडिविजुअल तो वो भी है, विकी भी इंडिविजुअल आया है और वो बहुत कैपेबल है अपने आप को हैंडल करने के लिए, अपने आप को अपने जवाब देने के लिए, बट फिर भी एक अंदर से आता है अगर आपके कपल को कोई कुछ बोल रहा है तो वो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो और कितना रोती है भाई वो बंदी उसके अटेंशन के लिए। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि स्क्रिप्टेड है, इधर ये भी हो सकता है कि स्क्रिप्टेड हो कि ये बाहर से प्लान करके आए हैं, क्योंकि नील ने अभी बोला था एक फुटेज में कि बाहर ये लोग भी ऐसे ही हैं, ये लोग एक दूसरे में घुसे रहते हैं, ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो मे बी ये भी हो सकता है कि बाहर से स्क्रिप्टेड बना के आए हो कि मैं डोमिनेट करूंगा और तुझे सिंपथी मिलेगी और मुझे गेम की वजह से जो है अप्रिशिएशन मिलेगी। तो अगर ये पॉइंट है तो ये भी बहुत बेकार है बिकॉज आप बहुत नेगेटिव दिख रहे हो रील्स में, आपको लोग कितना पसंद करते हैं, आपको अडोर करते हैं ना, हम इनकी रील्स देखते हैं तो हमें लगता है यार कितने लवेबल कपल, और रियल में हम देखते हैं तो कि भाई ऐसे ही लड़ते रहते हैं, मतलब लोगों का भरोसा उठ जाएगा जो रील्स वो देखते हैं। एंड इसके बाद बारी आती है UK07 की, UK07 इज फ्रॉम उत्तराखंड, मैं भी उत्तराखंड से, तो मुझे तो बड़ी उम्मीदें थी इस इंसान से, बट मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगता UK07 का गेम, आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लगता है कि वो उन्होंने हर घर में किसी ना किसी से दोस्ती कर रखी है, दिमाग वाले घर में मनारा से कर रखी है, दिल वाले घर में विकी भैया से कर रखी है, और कोई इंडिविजुअल गेम नहीं है, इंडिविजुअल स्टैंड नहीं है, इंडिविजुअल टॉपिक नहीं है कोई, लो सलमान खान ने वीकेंड की बार उनसे डांस करवाया एंड वहां पे भी रोस्ट हुए, तो हाँ बट ठीक है उसकी गलती नहीं है मे बी बिकॉज ही इज
मोटर व्लॉगर है ना, वो मोटरसाइकिल व्लॉगिंग करते हैं, तो उनका वो जो जो उनके फैन बेस भी है वो इंट्रैक्शन की वजह से नहीं जुड़े हुए, वो इंट्रैक्ट नहीं करते इतना जैसे हम लोग व्लॉग बनाते हैं या हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो वी हैव टू बी वोकल विद अवर ऑडियंस, पर उनको इतना वोकल होने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनका एक जो फील्ड ही वो बहुत अलग है। तो ये अचानक से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नेशनल टीवी पे आना, तो कई लोग नहीं होते हैं उतना वोकल, उनको नहीं आता है समझ में, तो मे बी वो हो सकता है। बट गेम वाइज वो थोड़ा सा डाउन चल रहे हैं, बट हाँ उनका फैन बेस अच्छा है और उनके फैंस आगे उनको ग्रो करता देखना चाहेंगे। जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट स्टेप में परफेक्ट हो जाए, तो वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे, तो आई होप कि वो अच्छा करे आगे। एंड नेक्स्ट द मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द शो, ईशा, अभिषेक एंड समर्थ। भाई साहब, एक तरफ पूरे घर का कंटेंट और एक तरफ इन तीनों का कंटेंट कोई मैच नहीं कर सकता। मतलब क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में ईशा इसने बोला कि भाई ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा फ्रेंड था। अभिषेक ने बोला कि मैं इसका बॉयफ्रेंड था। फिर चलो भी उन्होंने माना थोड़ी देर में कि हाँ ठीक है बॉयफ्रेंड था, बट बहुत टॉक्सिक था, मुझे परेशान करता था, मुझे नहीं अच्छा ट्रीट करता था। और ये सबका अपना एक डिसीजन है कि अगर आपका पार्टनर आपको लगता है कि नहीं सही आपके लिए, तो आप उसमें से मूव ऑन कर सकते हैं, आप उस रिलेशनशिप से हट सकते हैं, बिकॉज आपको हर्ट नहीं करेगा, वो सामने वाले को भी। अगर आप ही सामने वाले से कंफर्ट नहीं हो, आप सामने वाले से आपका प्यार ही खत्म हो गया, तो आप प्यार दे भी नहीं पाएंगे। तो अगर ईशा जबरदस्ती उस रिलेशन में रह भी लेती तो अभिषेक के लिए भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली जब उसकी फीलिंग्स ही खत्म हो गई अभिषेक के लिए, तो वो भी अच्छा पार्टनर डिजर्व करता है, ईशा भी अच्छा पार्टनर डिजर्व करता है, और अभिषेक भी अच्छा पार्टनर डिजर्व करता है जो उसको प्यार करे। तो आप बिना प्यार के एक साथ रह ही नहीं सकते। और लोग ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं प्यार और रिलेशनशिप में। आप रिलेशनशिप में थे, अगर आप एक टाइम तक साथ में हैं, आपको अच्छा लग रहा है, फिर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं ये चीजें मेरे लिए नहीं मिली, तो वो आप एक रिलेशनशिप में थे, आप प्यार में नहीं थे। लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आपको फिर से प्यार हो गया, आपको आपने दो महीने में समर्थ जैसे समर्थ की एंट्री हुई, फिर उन्होंने बोला कि अभिषेक ने बोला कि आप दो महीने में मूव ऑन कर लिए, मैं तो आज तक बैठा हूं, एक साल तक बैठा हूं, क्योंकि शायद आपकी तरफ से प्यार था, पर शायद उसकी तरफ से वो रिलेशनशिप था। हम नहीं गलत बोल सकते किसी को, वो रिलेशनशिप जब वो रिलेशनशिप ही खत्म ही हो गया, हाँ वो आपके साथ रहते हुए किसी और को डेट करती, देन मे बी वो एक डबल डेट हो जाता, चीटिंग हो जाती, क्रॉस ओवर हो जाता। बट अगर आपका रिलेशन एक इंसान से खत्म हो गया और वो सामने किसी और के साथ मूव ऑन कर गया, तो इसमें आई गेस कि हम कैरेक्टर पे नहीं जा सकते किसी के। फिर जी समर्थ आए और समर्थ ने बोला कि भाई, तब भी ईशा ने मना किया, बिकॉज वो शी इज 19, कि अगर हम बोलते हैं कि वो इमेच्योरिटी है, इट इज नॉट इमेच्योरिटी, क्योंकि अगर आप 19 साल के भी हैं और आप एक इतना बड़ा शो कर रहे हैं, आप एड्स करते होंगे, आप कलेबोरेशन करते हैं, आप पार्टीज करते हैं, आप शूटिंग करते हैं, तो आप इतने ज्यादा इनोसेंट नहीं हो सकते, आप इतने ज्यादा ना समझ नहीं हो सकते कि आपको नहीं पता है फीलिंग्स क्या होती हैं, आप किसको क्या बोल रहे हैं, आप किसके साथ क्या रिलेशनशिप में है। तो जो ये फैक्ट दे रहे हैं कि एज की वजह से नादानी नहीं, पर हाँ उन्होंने सच नहीं बोला, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं खोलना चाहते होंगे। और किसी को भी लगता है यार कि हम अपनी पर्सनल लाइफ क्यों खोलें, क्योंकि आगे कितना कुछ आना है, आगे इसके बाद भी टच वुड क्यों का रिलेशनशिप समर्थ से बहुत अच्छा चले, बट टच वुड की इतनी सब चीजों के बाद कुछ खराब हो गया, तो आगे किसी को भी डेट करेगी ना, तो एक लड़के के दिमाग में हमेशा डाउट रहेगा कि यार ऐसा हुआ था वैसा हुआ था पब्लिकली, समझ रहे हो। तो वो चीज की वजह से क्या पता वो छुपाना चाह रही थी, और रिलेटिव्स होते हैं, बहुत कुछ होता है यार एक बैक लाइफ में, हमको तो सिर्फ टीवी पे दिखता है कि ये लड़की है ये लड़का है, उनके पीछे कितना कुछ है, उनकी फैमिली है, उनके रिलेटिव्स हैं, कितना कुछ है। तो नहीं, एक इंसान चाहता कि हमारी पर्सनल लाइफ जो है वो पब्लिकली आए। इसे बाकी आप बताओ कि आपको कौन सही लगता है इस पूरे सिनेरियो में, और आप किसको सपोर्ट करते हो बिग बॉस में, आपका फेवरेट कौन है। वहीं जब से समर्थ आए हैं, समर्थ और ईशा के कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं कि बिग बॉस का कैमरा अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, और अभिषेक ये देख के अब खानजादी के नजदीक जाते हुए नजर आ रहे हैं, और खानजादी के साथ वो पता नहीं कौन सा एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हाँ दोनों क्यूट लग रहे हैं साथ में, आई नो कि वो फ्लर्ट कर रहे हैं सिर्फ ऐसे ही मस्ती मजाक में, तो ये चीजें चल रही हैं। बाकी बात रही उडारिया सेट से, जो को आर्टिस्ट थे ईशा और अभिषेक और समर्थ के, तो जो ज्यादा लोग हैं वो अभिषेक को सपोर्ट कर रहे हैं, अंकित जो है अभिषेक को सपोर्ट कर रहे हैं, रोहित जो है वो अभिषेक को सपोर्ट कर रहे हैं, कमल जो है जो सत्ती का उनका मॉम का ईशा और प्रियंका के मॉम का जो कैरेक्टर प्ले कर रही थी, वो तो मतलब 100% खुले आम अभिषेक को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने काफी इंटरव्यूज भी दिए हैं, वो स्टोरीज भी लगाते रहते हैं। तो अभी उनका मैंने इंटरव्यू देखा था रिसेंट, उसमें लाइक उन्होंने बताया कि आप कि ईशा ने एक साल डेट किया अभिषेक को, अगर वो अग्रेसिव था या उसका नेचर खराब था तो वो आपको एक दो तीन महीने में पता चल जाता है। अगर आप तीन चार महीने में उनके साथ रहने के बाद भी अगर उनको एक साल तक डेट कर रहे हो, तो वो एक साल के बाद अचानक से कैसे खराब हो गया, हर इंसान का असली चेहरा एक दो महीने में सामने आ जाता है, तो चार महीने तक पता नहीं चला इस दैट पोजीशन, तब तक उसके लिए खड़ी हो जाती थी, स्टैंड ले लेती थी, शूट रुकवा देती थी, एक साल कैसे निकल गया इसका। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि 5-6 महीने तक तो वो एक गुड़ी गुड़ी पीरियड होता है, अच्छा पीरियड होता है कि हाँ प्यार मोहब्बत से निकल रहा है, समझने में निकल रहा है एक दूसरे को, और उसके बाद आपको पता लग भी जाता है, 6-7 महीने में आपको किसी का रियलिटी पता चल भी जाता है। तो 2-4 महीने आप उन चीजों को करेक्ट करने में, क्योंकि आप एक दिन में तो कट ऑफ नहीं कर सकते ना, तो 3-4 महीने उन चीजों को सुधारने में, क्या क्या आपका संभल जाएगी चीजें, क्या आपका चेंज हो जाएंगी चीजें, तो उसमें निकल जाता है। तो मे बी वो इसलिए वो एक साल चल गया कि हाँ वो चीजें सुधारेंगे, बट नहीं सुधरी, तो एट एंड किसी ने डिसाइड किया कि हमें मूव ऑन करना चाहिए। और अभिषेक के एक फ्रेंड है कशिश मुकेश, मैंने उनका इंटरव्यू भी देखा, वो आई गेस 2-2.5 साल से अभिषेक को जानते हैं, तो उन्होंने भी ये बताया कि वो अच्छे खासे रिलेशनशिप में थे, और ब्रेकअप के बाद अभिषेक 6 महीने तक डिप्रेशन में रहे थे और कोई काम नहीं कर पाए थे ढंग से। 6 महीने वो ऑलमोस्ट डिप्रेशन में था, मतलब उसको कुछ नहीं करता था, वो कुछ काम नहीं कर पा रहा था, सब शूट चले गए थे उसके पास से, अर्निंग सोर्स खत्म हो गया था। और ईशा जो है वो 1-2 महीने में ही मूव ऑन कर चुकी थी समर्थ के साथ, और ईशा 2 महीने में मूव ऑन भी कर ली थी दूसरे लड़के के साथ में, तो ईशा के लिए वो चीज कितनी इजी थी,
छोड़ के आगे बढ़ना। बट मैंने वही कहा कि इमोशंस और जो प्यार है और एक रिलेशनशिप है अलग है। अभी क्या पता उसको समझ से भी प्यार है कि नहीं, कि वो सिर्फ एक रिलेशनशिप है, वो भी उनको आगे जाके पता चलेगा नहीं। इसलिए बोलती कि टाइम लेके हमें एक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए। उन्होंने भी यही बात बोली, जो कशिश है उन्होंने भी यही बोला कि आप ट्रायल नहीं कर सकती हैं लड़कों के साथ रिलेशनशिप में आके, एकदम से रिलेशनशिप में आगे फिर एकदम से छोड़ दिया, ऐसे ट्रायल नहीं ले सकती है। वो अगर उसको लग रहा है कि उसको राइट मैन नहीं मिल रहा है तो वो फ्रेंडशिप को रखे, उसको रिलेशन में कन्वर्ट करने की जल्दी ना करे। आप टाइम दीजिए, फ्रेंड्स बनिए, एक दूसरे को समझिए। बट आज के टाइम पे फ्रेंड बनना, घूमना फिरना, साथ में रहना, उसको डेट ही बोलते हैं, उसको रिलेशनशिप ही बोलते हैं। तो हम जिस तरह से जिस सोसाइटी में आजकल रह रहे हैं, हम किसी चीज को ना सही गलत बोल ही नहीं सकते, बिकॉज किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है तो वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। और बिग बॉस के अलावा इंटरनेट पे जो चल रहा है, उर्फी जावेद अरेस्ट हो गई है। गाइस मैंने जो स्टोरी देखी, मुझे पता नहीं ये सच है कि ये झूठ है, पर मैंने क्लिप देखा इंस्टाग्राम पे कि उर्फी को अरेस्ट कर लिया गया। और बिचारी को जब अरेस्ट किया ना, तब तो उसने फिर भी ढंग के कपड़े पहने हुए थे, मतलब जींस और टॉप पहना हुआ था, कोई अतरंगी जब तक वो कपड़े पहनती थी तब तो किसी ने कुछ किया नहीं। पर लाइक अगर ये सच है तो दिस इज वेरी सैड, मतलब सैड तो क्या बोलूं, बट बुरा है यार किसी के लिए भी जेल देखना, चाहे वो अच्छा इंसान हो, बुरा हो, क्रिंज हो या कुछ भी हो। और अगर ये सिर्फ एक पब्लिसिटी के लिए ऐसे कुछ है तो आई डोंट नो। और इसके अलावा एल्विश यादव की गाइस बहुत ज्यादा न्यूज जो है वो वायरल हो रही है कि रेव पार्टी जो नोएडा में हुई थी उसमें एल्विश इन्वॉल्व है, बट एल्विश ने अपनी स्टोरी पे लगाया है कि उनका इस पूरी चीज से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ना मेरा कोई लेना देना इन चीजों से, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई सारे बेबुनियाद हैं। इस चीज़ में भी कोई क्लैरिटी नहीं हुई है, तो जब तक क्लैरिटी नहीं हुई है आई डोंट थिंक कि हम लोगों को कोई भी ऐसा हेट फैलाना चाहिए या कोई भी न्यूज को ऐसा वायरल करना चाहिए कि वो अरेस्ट हो गए हैं, क्योंकि कई मैंने पेजेस देखे जिन्होंने लगाया हुआ कि वो अरेस्ट हो गए हैं, अरेस्ट हो गए। तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि एल्विश ने भी खुद बोला है कि मैं कहीं गायब नहीं हुआ हूं, मैंने कोई फोन बंद नहीं किया है, तो ये चीजें झूठी हैं। तो अभी देखते हैं गाइस कि क्या होता है। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, और मैं आपके लिए शॉर्ट्स लाती रहती हूं, व्लॉग्स लाती रहती हूं, और कुछ ना कुछ कंटेंट बनाती रहती हूं। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। आप लोग व्यू तो देते हो, देखते तो हो, पर आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए गाइस। थैंक यू, बाय बाय।